सिग्रवाल साहब का नाम है कि लड़ाई नहीं खे हमें हम तो एक तरफा जीता था नहीं जी आकाश में लो आकाश मुड़ के चल जाए वहाँ के कहल जायज बा वहाँ के एक तरफा हारत नहीं एक तरफा जीतत नहीं खी वहाँ के एक तरफा हारत नहीं ऐसे आ कि जहाँ कोनो काम नहीं खी कैले ता क्षेत्र में भी घूमे के वहाँ के अथी नहीं खे जहाँ जौना क्षेत्र में जा तनी ओजा कुछ ना कुछ लोग सुना दे तबे तो जौन वह बोले रहे हम तौने तो काटे नरेंद्र मोदी को लोग बनारस में एक्सेप्ट कर सकता है तो हम डंके की चोट पे कहते हैं कि आकाश सिंह को यहाँ के लोग भी एक्सेप्ट कर रहा है। रणधीर सिंह जी कहते नहीं कि वहाँ के धोखा दिले बनी लालू प्रसाद यादव जी हमारे साथ धोखा दिले बनी क्योंकि 10 वर्ष हम सेवनी और सेवई दूसरा केहू के दे दे तो लालू जी तो वह बड़ा धोखा दिले रहनी जब वो उपचुनाव छपरा में रहे तो लालू जी आके जितावे के काम कैनी छपरा से वह रणधीर भैया के विधायक बनावे के काम कैनी तो वो बड़ा धोखा ना दिले रहनी अरे धोखा दे दिले बनी 2013 में ही महाराजगंज से उपचुनाव सांसद के रहे तो लालू जी घरे घर घूम के जितावे के काम कैलन तो धोखा ना दिले रहलन। नमस्कार हमे रोहित महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के शाहगंज में मौजूद भी है और शाहगंज में आज चुनावी चौपाल के तहत भगवानपुर के गुलरबागा में आज डब्लू यादव जी जो जिला राजद के प्रदेश महासचिव बानी अस भगवानपुर के जिला पार्षद बानी वहाँ के चुनावी चौपाल के तहत वह देख सकतनी प्रत्येक लोग के जाके प्रत्येक लोग में जाके महागठबंधन के पक्ष में आकाश सिंह के पक्ष में वोट मांगे के प्रयास करतनी और जौन सिग्रवाल साहब के कार्य बाटे ओकरा पर उंगली उठावतनी कासे कि सिग्रवाल साहब ये जो लड़ाई बाटे काफ़ी ज़्यादा आसान समझत नहीं लेकिन अब महागठबंधन के लोग भी पूरा एकजुट हो गई बा और एकजुट हो के पूरा महाराजगंज के जो लड़ाई बाटे महाराजगंज के जो समर बाटे ओमे जोर झोंक दिल बा। डब्लू जी सबसे पहले तरह के हम स्वागत करें और चैनल के गुलरबागा के धरती पर हम स्वागत करें अपना तरफ से आएजा के ग्रामीण जनता लोग के तरफ से हमारे गार्जियन लोग के तरफ से हमारे नौजवान भाई लोग सब लोग के तरफ से रउरा के स्वागत करें कि रुआ जाए बने सिग्रवाल साहब का नाम है कि लड़ाइए नहीं खे हमें हम तो एक तरफा जीता था नहीं जी आकाश में लो आकाश मुड़ के चल जाए वहाँ के कहल जायज बा वहाँ के एक तरफा हारत नहीं एक तरफा जीतत नहीं खी वहाँ के एक तरफा हारत नहीं ऐसे आ कि जहाँ कोनो काम नहीं खी कैले तो आज क्षेत्र में भी घूमे के वहाँ के अथी नहीं खे जहाँ जौना क्षेत्र में जा तनी ओजा कुछ ना कुछ लोग सुना दे तबे तो जौन वह बोले रहे हम तौने तो काटे वहाँ के जौन वहाँ के जौन बोले बनी तौन तो काटत तनी और दूसर कुछ ना मिली। अच्छा वहाँ के तो कहत नहीं किला बाटे हमार किला की ढा दी कैसे कि हम बहुत काम कैले बनी ओवर ब्रिज बनैले बनी का काम कैले बनी ट्रेन रुकनी का काम करतनी राजद वाला के लोग कौन अथी बटे मैनिफेस्टो बटे मैनिफेस्टो तो कांग्रेस के द्वारा राजद के द्वारा सबके जारी भइल बबे आ वहाँ के अगर कहत नहीं कि किला बबे तो तानाशाही के मने संदेश बा जगह नरेंद्र मोदी तानाशाह के रूप में आ तुगलकी फरमान जारी करते हैं पूरा भारतवर्ष पर वहीं गनीहों के कहतनी किला केहू के ना होला आ कौन किला बा जो आज तक ले ढहल नहीं खे अगर वहाँ के कहतनी कि किला हो हमार तो ये किला ढह ही आ यही जाके लोग अगर बनौले बा तो यही जाके लोग ढा ही बाहरी प्रत्याशी को महाराजगंज में लोग एक्सेप्ट मानेंगे स्वीकारेंगे लोग तो कह रहे हैं कि बाहरी बनाव हमारा यहाँ स्थानीय चुनाव होगा। अरे ये बीजेपी का बात है बीजेपी के लोग ये बात कह रहे हैं कि बाहरी हैं लेकिन बीजेपी लोग अपने के लोग अपने आका से नहीं पूछ रहे हैं कि गुजरात से मैं बनारस क्यों आ गए हैं। अगर नरेंद्र मोदी को लोग बनारस में एक्सेप्ट कर सकता है तो हम डंके की चोट पे कहते हैं कि आकाश सिंह को यहाँ के लोग भी एक्सेप्ट कर रहा है। आकाश सिंह चुनाव जीतने के बाद महाराजगंज में रहेंगे कि फिर अपने एकदम रहेंगे महाराजगंज में उनका कार्य क्षेत्र होगा उनका राजनीति का क्षेत्र होगा एकदम महाराजगंज में रहेंगे। अवगत हैं आकाश जी टोटल मुद्दे से अवगत हैं और हम लोगों ने अवगत करा दिया है जितना अपार समर्थन उनको मिल रहा है जितने लोग गांव में जा रहे हैं लोग बता रहे हैं अगर सिग्रवाल जी काम किए रहते ना तो कोई मुद्दा ही नहीं रहता। अच्छा तो लेकिन इतना ना काम मुद्दा है उनके पास
अकित सिग्रवाल जी के पास 10 बरस और रह जाए तो कोई काम नहीं अच्छा, कर पाएंगे। एक सवाल बा डब्लू जी, गोराकोटी के विधायक देश कान जी कहतनी कि जब से वहाँ के आयल बन तो एक प्रखंड के रास्तो नहीं खे पता, अब बताइए कि प्रत्याशी क्या विकास करी। वहाँ के रास्तो पता बा और वहाँ के व्यक्ति व्यक्ति के जानता नहीं, ऐसा बात नहीं खे। नौजवान बनी, एनर्जेटिक बनी आ वहाँ के समझता नहीं, एगो राजनीत करे वाला घराना के लड़का बनी। द्वेषकांत जी, द्वेषकांत सिंह पर हम पर्सनल आरोप प्रत्यारोप ना लगाएब, लेकिन अगर उनका के बारे में भी बोलल जाओ तो बहुत कुछ बोलल जा सकता। आ कि वहाँ के राजनीतिक पृष्ठभूमि का बा ये अगर पूछल जाए तो वहों के समझ में आ जाए, लेकिन हमारा ये विश्वास बवे कि आकाश जी जैसे भारी बहुमत से जीते। महाराजगंज से के एक एक जनता से अपील करेंगे कि अपने संविधान के लिए, अपने मान और सम्मान के लिए, नौकरी के लिए, महंगाई के लिए, इन सारी मुद्दों को लेकर के आप लोग महागठबंधन को वोट करने का काम कीजिए, राहुल गांधी और तेजस्वी जी को के हाथों को मजबूत। रोजगार करने का बात कोई नहीं है, 1 करोड़ तेजस्वी जी रोजगार देते हैं। बीजेपी वाला लोग कहता कि रोजगारवा का जगह पर छिनतई, डकैती, लूट, उस सब रोजगार रोजगार है ना। ऐजा जाके देखी ना उत्तर प्रदेश में उनकर सरकार बा का होता, ऐजा बिहारे में देख ली ये लोग छाती पीटत रहे, एगो कहीं मर्डर हो जाते रहे महागठबंधन में जब तेजस्वी जी महागठबंधन के सरकार रहे तो। आइए बरा तो कोनो सांप नहीं खेलोटर तुमका लोग के देह पर। तो भाजपा सत्ता में रही तो राम राज रही, आ भाजपा जैसे सत्ता में से हट जाई तो समझ लें कि जंगल राज हो जाई। आ हम लोग चैनल के माध्यम से बतावे के चाहते नहीं आ कि अगर कहीं सबसे ज़्यादा जंगल राज बावे तो भाजपा के सरकार में। मणिपुर के घटना पर भाजपा के लोग बोलता कि ना, मणिपुर के बेटी बहन हमार बेटी बहन ही है कि ना, आ उनका लोग के बात ताकत आ कि मणिपुर के घटना पर बात कह दिलो, हाथरस के घटना पर बात कह दिलो, बात ताकत उनका लोग के, उन्नाव के घटना पर बोल दिलो उनका लोग के बात ताकत। एजा ब्रजभूषण सिंह देश के बेटी के साथ जौन अत्याचार के लोन पर बोल दिलो बात ताकत। केहू भाजपा के लोग से रुआ जाए तो पूछम कि डब्लू जी के चैलेंज बा, 4-5 गो बिंदु पर बोल दिलो बात ताकत। आ ऊ का जंगल राज ना हो। अच्छा एगो एगो बात आओ ताटे, अखिलेश सिंह जी पर आरोप लगता, रणधीर सिंह जी कहतनी कि वहाँ के धोखा दिले बानी, लालू प्रसाद यादव जी हमारा साथ धोखा दिले बनी क्योंकि 10 वर्ष हम सेवनी और सेवई दूसरा केहू के दे दे। तो लालू जी तो वहू बड़ा धोखा दिले रहनी जब वो उपचुनाव छपरा में रहे, तो लालू जी आके जितावे के काम कोई नहीं, छपरा से वह रणधीर भैया के विधायक बनावे के काम कोई नहीं, तो वो बड़ा धोखा ना दिले रहनी, अरे बड़ा धोखा दे दिले बनी 2013 में ही महाराजगंज से उपचुनाव सांसद के रहे, तो लालू जी घरे घर घूम के जितावे के काम कैलन, तो वह धोखा ना दिले रहन। अरे ये कहीं है कि रोरा पार्टी से टिकट नहीं है मिलल तो कौन आरोप लगाओ तनी। बहुत सारा लोग बावे अगर पार्टी के प्रति समर्पित बा तो पार्टी के प्रति वफादार रही, चाहे टिकट मिली या चाहे ना मिली।